हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लांच का आईडी, ओडी, पीसीडी, होल्स डाया और नंबर्स ऑफ होल्स के बारे में। तो पहले बात करते हैं फ्लांच का आईडी के बारे में। फ्लांच का आईडी क्या होता है? ये जो फ्लांच हम एक तो मार्किंग करके रखे हैं, इसका जो इनसाइड डाया मीटर, मतलब उसका अंदर अंदर जो होल काटा रहता है, होल रहता है, उसका इनसाइड जो मापी है उसको आईडी कहा जाता है, मतलब इनसाइड डायामीटर। ये जो हम फ्लांच मार्किंग करके रखे हैं, इसका इनसाइड डायामीटर है यहाँ से यहाँ तक, यह है इनसाइड डायामीटर। दूसरा बात आता है ओडी, मतलब आउटसाइड डायामीटर। ये जो फ्लांच मेरा है, इसका आउटर मतलब यहाँ से यहाँ तक, इसका जो मापी है उसको कहते हैं आउटसाइड डायमीटर, मतलब बाहर मापी को आउटसाइड डायमीटर कहा जाता है, मतलब शॉर्ट में उसको ओडी। और तीसरा जो मेन बात होता है फ्लांच का, वो होता है पीसीडी, मतलब पीस सर्कल डायमीटर। मतलब फ्लांच में ड्रिल जो किया जाता है, उसका जो सेंटर मिला के मार्किंग किया जाता है, उसको जो सेंटर लाइन में, वो होता है पीस सर्कल डायमीटर। जैसे यार मेरा ये जो मार्किंग में, यहाँ से ये जो जागी है, यहाँ से यहाँ तक ये होता है, इसको होता है पीसीडी, मतलब पीस सर्कल डायमीटर। हम जो यहाँ बताए हैं पीस सर्कल डायमीटर, ये होता है मेन तीन बात। पीस सर्कल अगर पीसीडी मान लिए, उसके बाद आता है होल, ये नंबर ऑफ होल्स, कितना होल आपको करना है, वो होता है फ्लांच के एक जरूरी बात। तो आपको जैसे ड्राइंग का हिसाब से जो इंस्ट्रक्शन दिया गया, उसी हिसाब से आमतौर उसी हिसाब से वो किया जाता है। आमतौर पे 3 इंच फ्लांच में 4 होल आता है, कभी कभी कोई बहुत स्टैंडर्ड फ्लांच में 8 होल भी देखने को मिलता है, नहीं तो आमतौर पे 3 इंच फ्लांच में 4 होल। जैसे ये हम मार्किंग किए हैं, 4 इंच का ये फ्लांच है, इसमें आता है 8 होल। 6 इंच में भी आपका 8 ही होल आता है, 8 इंच में भी 8 होल आता है, लेकिन जब 10 इंच आपका हो जाता है उसमें 12 होल आता है। वो होता है नंबर, आपको यहाँ से यहाँ कितना होल करना है उस हिसाब से उसको नंबर्स ऑफ होल कहा जाता है। ये जो है, जैसे यहाँ अंदर से 8 जगह हम दागी दे दिए, 8 जगह, ऐसे ही 8 जगह से 8 नंबर्स ऑफ होल 8 है। और उसके बाद होता है होल डाया, ये जो होल दागी दिया है इसमें कितना डाया का होल मारना है। आमतौर पर 3 इंच तक 14 mm ड्रिल, मतलब 12 का बोल्ट लगाने से आपका, नट बोल्ट लगाने से आपका होता है, लेकिन 4 इंच से आपका 16 डाया का नट बोल्ट लगता है। तो यहाँ आपको कितना ड्रिल का मारना है, उसको आपको 18 mm, 2 mm क्लियरेंस चाहिए, 18 mm डाया का, मतलब ये जो होगा इसका इनसाइड डाया होगा 18 mm। यह है फ्लांच के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर दबाने ना भूले। नमस्ते।